अगर आपकी मशीन जैम हो चुकी है, वो प्रॉपर नहीं चल रही है, तो आप इस प्रॉब्लम को अपने घर पर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी मशीन में अभी इस वक्त यही प्रॉब्लम है, मेरी मशीन अभी जैम हो चुकी है, जो उसका हैंड व्हील है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो सोचा कि इस पर एक वीडियो भी बना लूँ और आपके साथ मैं शेयर भी कर दूँ। तो यहाँ पर इसके अगर तागा फंसा हुआ है तो हमारी ये जो हैंड व्हील है प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाती है और ये जैम हो जाती है। तो इसे हम हैंड व्हील को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो मशीन के बारे में मुझे ज़्यादा तो जानकारी नहीं है इसके पार्ट्स वगैरह के बारे में, पर मैं घर पर ही ज़्यादातर अपनी मशीन को रिपेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर एक स्क्रू है, तो पहले हम इस स्क्रू को खोलेंगे, जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसकी मदद से हम इसे खोल देंगे। तो यहाँ पर ये स्क्रू खुल चुका है, अब हम इसका ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम खोलेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, खुलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इस तरह से ज़ोर लगा कर इसे खोल देंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा खुल चुका है और इस वाले पार्ट के अंदर एक वॉचर है। ये वॉचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप एक साइड कर दें और इस व्हील को आप इस तरह से पुश करते हुए बाहर निकालें। इसे भी निकालना और ये मोटर का बेल्ट है, मैं उसे भी निकाल दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लीनिंग करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेड नज़र आ रहा है, इसके अंदर तागा है, तो हम उसे बाहर निकालेंगे और यहाँ पर इसकी क्लीनिंग भी करेंगे। तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है हम इसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर दो स्क्रू है तो हम इसे खोल लेंगे। जो भी आप पार्ट खोलते हैं उसे एक तरफ रख लें ताकि कोई भी पार्ट हमसे मिस ना हो। अभी हम इसके धागा निकालेंगे। धागा निकालने के लिए पहले तो मैं यहाँ पर एक टिशू की मदद से इसे क्लीन कर लूँगी। तो ये देखिए कितना सारा यहाँ पर गंद है और यहाँ पर ट्रेड है, तो इस ट्रेड को मैं बाहर निकालने के लिए जो ट्रेड ओपनर होता है उसकी मदद से मैं इसे बाहर की तरफ खींच कर निकाल चुकी हूँ। ये देखिए यहाँ पर ट्रेड है, तो इस वजह से हमारी मशीन जैम हो चुकी थी और हमें अच्छे से हम यहाँ से इसे इसकी मदद से क्लीन कर लेंगे। जो भी मैल है और जो भी कचरा है हम यहाँ से निकाल देंगे। तो एक धागा था जो इसके अंदर फंसा हुआ था, मैंने इसे निकाल दिया है और मैं इसे अच्छे से टिशू से क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैं ऑयल डाल दूँगी ताकि ये थोड़ा सा फ्री हो जाए और अच्छे से ये चल सके। तो इस तरह से हम इसमें ऑयल भी डाल देंगे। तो इसे हम अच्छे तरह से क्लीनिंग भी कर लेंगे और इस वाले पार्ट को भी मैं क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर एक बॉबिन फिलिंग का भी एक पार्ट था जो मैंने इसे निकाल दिया है और यहाँ पर हम इसे दोबारा जिस तरह से ये पहले फिट हुआ था हम उसी तरह से इसे फिट कर देंगे। तो दो स्क्रू थे यहाँ पर, हम यहाँ पर दोनों स्क्रू लगा देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर, अगर आपके मशीन में मोटर है तो पहले इसमें मोटर का जो बेल्ट होता है वो डाल दें और उसके बाद इस व्हील को यहाँ पर लगा दें। नीचे की तरफ एक स्क्रू होता है जो मोटर को सेट करने में हेल्प करता है, उसे हम लगा देंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर बेल्ट भी हमारा फिट हो चुका है, इसके बाद हम यहाँ पर इसे टाइट कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर ये वॉचर लगाएंगे, लेकिन मशीन इस पोजीशन में होगी तो ये वॉचर यहाँ पर सही तरीके से नहीं लगेगा। तो इस वॉचर को हम इजी तरीके से लगाने के लिए हम मशीन को थोड़ा सा इस तरह से खड़ा कर देंगे, जिससे हमारा जो ये व्हील वाला पार्ट, प्लेन वाला पार्ट है, ऊपर की तरफ आना चाहिए इस तरह से, और जो ये अंदर लॉक है वो अंदर की तरफ यहाँ पर फिट होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से देखकर फिट करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसे हम सीधा अच्छे प्रॉपर हम इसे रखकर, ये जो बड़ा वाला स्क्रू है हम इसमें रखकर अच्छे से इसे टाइट हम फिट कर देंगे। अगर ये बड़ा वाला स्क्रू लूज फिट हुआ तो जो मशीन की जो निडिल वाला पार्ट है वो ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं ये स्क्रू भी लगा दूंगी और जो बड़ा वाला स्क्रू है हम उसे भी अच्छे तरह से टाइट कर एक बार चेक कर लेंगे कि हो रहा है। नेक्स्ट मैं इसे चेक कर लूँगी मोटर लगाकर,
और मेरी मशीन अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी बन चुकी है। घर पर ही हमने इसकी रिपेयरिंग बहुत ही आसानी के साथ कर चुके हैं। आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल रहे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।